तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ध्रुव राठी और एलविस यादव दोनों का तहे दिल से बहुत इज्जत करता हूं। तो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कहा था कि केरला मूवी एक काल्पनिक मूवी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जब मूवी चालू होगी तो उसके आगे डिस्क्लेमर आएगा, उसमें लिखा जाएगा कि ये मूवी एक काल्पनिक मूवी है। तो इसी बात पे हम लोग आगे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। मैंने पहले टाइम पे क्या करा, टंग था, अगर पोल खोलना मांगा ना फिर नाटक होता है। इस वीडियो हम बात करने वाले ध्रुव राठी और एलविस यादव की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ध्रुव राठी ने एलविस यादव के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनाई हुई है। आखिर ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात यह है, जब केरला मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों के बीच में ये चल रहा था ये फेक है रियल है, फेक है रियल है। तो ध्रुव राठी ने अपने ऑफिशियल चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि केरला स्टोरी एक प्रोपोगंडा मूवी है। उन्होंने अपनी इस वीडियो में कहा था कि जो केरला स्टोरी में जो 32,000 लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन कराया था वो पूरा पूरा गलत है। तो ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए बहुत सारे लोगों ने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई थी। उन्हीं में से एक फेमस यूट्यूबर है एलविस यादव, जिन्होंने ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए कहा कि जो तुम प्रोपोगंडा की बात कर रहे हो वो बात बिल्कुल सच है, और ये ध्रुव राठी तो फैक्ट को तोड़ मोड़ कर डालता रहता है। हमारा भाई थोड़ा गलत को ज्यादा सपोर्ट करता है, वो भी उस वे में करता है कि पता ना लगे लोगों को। मैंने अभी भाई की वीडियो आई है कि केरला स्टोरी प्रोपोगंडा मूवी, उसमें साफ बोल रहा है ऐसा कोई नंबर नहीं है। उन्होंने बोला 32,000 वीडियो की शुरुआत भाई ने ऐसे कर रखी है कि हिटलर ने एक बुक लिखी थी उसमें ऐसे ऐसे बता रखा है कि अगर आपको सच छुपाना है तो बहुत बड़ा झूठ बोल दो। शुरुआत ही ऐसी, मतलब दिमाग में ऐसे लोगों के कि झूठी है ये मूवी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेवकूफ बना रहे हैं ये जानबूझ के। अगर तुम्हारे सबके पास सबके फोनों में गूगल है, सबके फोनों में सब चीजें हैं, अगर ढंग से रिसर्च करने बैठे ना आदमी तो वो खूब बता देगा कि राठी जी ने कितना गलत बोला है। फिर ध्रुव राठी ने भी इन सारे यूट्यूबर को एक्सपोज करते हुए कहा, एक कॉमेडी यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है, सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस तरीके से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू, इस तरीके से वीडियोस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और फिर वीडियोस बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एलविस जैसे बहुत से ढोंगी हैं सोशल मीडिया पर जो हिंदू धर्म को बचाने का नाटक करते हैं लेकिन असलियत में लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं और देश के यूथ को ऐसी ही बुरी चीजें सिखाते हैं। मेरे फूफा बदमाश है जैसे वीडियोस देखने की जगह है लोग लॉ एंड ऑर्डर को फेवर करना शुरू करेंगे मेरे वीडियोस देखकर। भाई फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है, फूफा बदमाश है भाई। मेरे वीडियोस देखकर लोग गांधी जी के आइडियल्स और पीसफुल डिस्कशन में यकीन करने लगेंगे एज कंपेयर टू तेरे वीडियोस देखकर लोग क्या सीखेंगे कि अगर किसी की राय से सहमत नहीं हो तो उनको थप्पड़ लगाने लग जाओ। जिन लोग इस वीडियो में बात करूंगा अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं तुम्हें दो रैपट लगने चाहिए। तेरी राय में तो लोगों को गाड़ी से कुचल देना चाहिए अगर किसी का कंटेंट पसंद ना आए तो। इनके सारे सबको ऊपर खोलना चाहिए ना मार दूं और फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, मैं मार दूंगा तो सारे मजाक किसको उड़ाऊंगा। मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूं प्रिविलेज की, कैसे स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम होनी चाहिए, कैसे गरीब लोगों को भी हमें सर और मैम करके एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट में कोई वेटर हो चाहे हॉस्पिटल में कोई नर्स। तेरे से इतनी पढ़ाई वाली इंटेलेक्ट वाली बातें तो एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती, लेकिन जो बेसिक ह्यूमिलिटी और एम्पैथी वाली चीजें होती है कि अपनी दौलत पर घमंड मत करो और गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, वो भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता तुझसे। भाई हमारे बाप दादा ने कमा रखा है, देखो इसमें कोई वो बात नहीं है, जिसने कमा रखा कमा रखा, जिसने नहीं कमा रखा नहीं कमा रखा, बाप दादा का थोड़ा उड़ा रहे हैं। आज के दिन कोई भी 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा, औरतों को खिलौनों की तरह ट्रीट करना, गाली गलौज करना, ऑनलाइन बुलिंग करना। बात खत्म, उसकी गाली बको कर दो, अकाउंट उड़ा दो, एक काम करो यहां मेंशन कर रहा हूं उड़ा दो। हुक्के का एडिक्शन डालना, फालतू की लग्जरी गाड़ियों का दिखावा करना, और वही 15-16 साल का लड़का अगर मेरे वीडियोस देखेगा तो क्या सीखेगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास, स्वामी विवेकानंद के विचार और रामायण से मिली सीख। तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। कॉमेडी वीडियो बना, लेकिन कॉमेडी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि इन सारी चीजों में भी इन्वॉल्व होना पड़े, कॉमेडी अच्छी और साफ सुथरी भी हो सकती है जहां पर समाज में चल रही गलत चीजों का इरेशनल बातों का मजाक उड़ाया। फिर क्या ये वीडियो एलविस यादव ने देखी होगी, तो फिर एलविस यादव ने ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए कहा, दिक्कत ना भाई, हमें तो सारी चीज वो है वेलकम, हम तो ना बुरा माने ना दिल पहले, कोई दिक्कत वाली बात ना, पर हमारी गाड़ी नहीं चलेगी।
मैनिपुलेशन करते हो तुम, इसका मतलब करते हो। अब तुम यार अब पुरानी चीज ठाक है, ये करता हो करता कुछ भी टाल है, मार तो जब परखना पड़े जब परखना पड़े कर दिया ना। तैने मेरा क्या करा, तैने पहले टाइम पे क्या करा, ढंग तक अगर पोल खोलना पागा ना, मगर ढंग तक पोल खोलना पागा फिर नाड़ना बंदे का भाई तेरा ठीक है ना। तो आएंगे उस पे भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, अभी तो शूट कर रहे हैं, एक बार इधर शूट की लोकेशन पे पहुंचे हैं। बेटा तीन वीडियो निकाली मेरे ऊपर, नु कह रहा कि वो जरूर जर्मनी में रह रहा है, नु कह रहा वो वाला मुझे सबसे मजेदार उसमें कह रहा कि भाई ये देखो दो लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और इन्हें क्या मिलेगी लड़की की स्मूछ। That was funny. मुझे बहुत मजा आया personally. मतलब personally मेरे को वीडियो देखने में वो नहीं आया कि यार क्या कह रहा है, देखो ये मजा आया मां कसम कि आपको क्रिटिसाइज नहीं करा, उसने एलविस द कैरेक्टर को करा भाई, हम तो कैरेक्टर लेस हैं। इस पे वीडियो बन जाएगी, इस पे भी वीडियो बना दिया एक भाई, कैसे भी हूं अपने मम्मी पापा द्वारा तो रहे मैं, अपने देश में रहे भाई, अपने देश में रहे, अपने मम्मी पापा द्वारा रहे मैं, सिटीजनशिप के चक्कर में कोई बाहर की ना सेट करी ना, तो ऑप्शन हम पे भी थे भाई, ठीक है कनाडा की, कनाडा बाहर कहीं भी सेट हो सके, मम्मी पापा के साथ रहे मैं, देश प्रेम है ये, देश प्रेम सिखा रहे बात है, अपना मम्मी पापा द्वारा टिक जा मेरे भाई, इस पर वीडियो नहीं बनती मुझे मजा आता। आपने आपको वो भी तो बोलिए स्मार्ट, ठीक है स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, भाई तुम भी हो अकल कम है, भाई अली भाई सुनो, अली भाई अपनी अकल बढ़ा लो भाई, मैं अकल बढ़ाएंगे यार, कैसे बढ़ाया कल, यो जर्मनी जाकर बढ़ाया, चलो जर्मनी, अच्छा जर्मनी तो आ रहा हूं मैं भाई, ज्ञान देने से बढ़ता है, जर्मनी तो जा रहा हूं दुबई के बाद, मां कसम भाई वहीं मिलूंगा, अगर वहीं होएगा मां एक बार मिल के तो गड़े मिल जाऊंगा भाई, था मकर एक बार वाली लाइन रिपीट करियो, दो लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और इनमें से जो जीतेगा उसे मिलेगी लड़की की स्मूच, बेस्ट विद फैक्ट्स आएंगे हम भी, मजाक की बात एक साइड और फैक्ट्स भाई हम दिखाते हैं फैक्ट्स क्या होते हैं। फिर लोग एलविस यादव को बहुत हेट करने लगे और उनकी और उन पर कमेंट कर रहे थे बहुत गंदी गंदी, लोग कह रहे थे कि छपरी वर्सेस एजुकेटेड पर्सन और छपरी और एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर एलविस यादव को पता लगा कि उनके तो कोई सपोर्टर है ही नहीं कमेंट में, तो फिर उन्हें पता लगाया कि ध्रुव राठी ने कीवर्ड बंद कर रखा है, मतलब उनके नाम की अगर कोई भी उनका नाम टाइप करेगा ना तो वो कमेंट जाएगी नहीं, अपने आप डिलीट हो जाएगी, ऐसा कुछ कीवर्ड लगा रखा था। ये बात एलविस यादव ने खुद अपने ब्लॉग में कही थी, आप लोग खुद सुन लो। हेट होती है ना, एक आदमी ने ताजा ताजा वीडियो निकाली है तो ऑब्वियसली बात है उसकी पब्लिक आगे भाई तुम्हें गाली बकेगी, मैं तेनों कह रहा दिस इज व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, चीज पता लगी मेरे को नहीं आओ। सपोज मैं लिखता हूँ एलविस भाई बढ़िया आदमी, ठीक है कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है भाई भाई सिस्टम भाई ने मेरा कीवर्ड बंद कर रखा है यार, एलविस नाम से कमेंट नहीं आता, एलविस जिसके कमेंट में एलविस आ गया ना, एलविस भाई एलविस ये एलविस कीवर्ड ही बंद है भाई के चैनल, जो आदमी खुद कमेंट कर रहा है ना उसको दिख रहा है बट साइड वाले फोन में तुम चेक करोगे न्यूएस्ट में तो नहीं दिख रहा है। तो आप किसे सपोर्ट करेंगे, एलविस यादव को या फिर ध्रुव राठी को, कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन बटन दिख रहा है उसे भी ऑन कर लें।